हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसी की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से उसी की एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। तो देखो मान लो मेरे पास ये कोई सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ये सर्कुलर आर्क का सेंटर हो गया, ठीक है। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और इस सर्कुलर आर्क पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और मान लो टोटल चार्ज कितना है, क्यू। टोटल चार्ज मान लो क्यू है, ठीक है, और मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो इस यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क की वजह से इस सेंटर पे, मतलब इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मतलब वी ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो इस पे जो टोटल चार्ज है क्यू, वो क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इनटू में ये लंबाई। अब देखो ये एंगल कितना सबटेंडेड है, अल्फा, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर अल्फा। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, आर इंटू में अल्फा, आर्क लेंथ, ठीक है। तो अब देखो इस यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क की वजह से इस सेंटर पे, मतलब इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कैसे करें। तो अब देखो क्या ऐसा नहीं है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट चार्जेज हैं, ये क्यू वन, ये क्यू टू, ये क्यू थ्री, ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेज से ही तो मिलके बनी हुई है, ये क्यू फाइव, ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट चार्ज क्यू वन की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू वन बाय में ये दूरी कैपिटल आर, और इस क्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू टू बाय में ये दूरी कैपिटल आर। ऐसे क्यू थ्री की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट पे, के क्यू थ्री बाय में कैपिटल आर, ये सारी दूरियां कैपिटल आर ही तो हैं। और इस आर्क पे जो टोटल चार्ज है क्यू, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। और अब देखो इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, मतलब सेंटर पे, मतलब इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, वो क्या होगा, इस आर्क पे जो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं उनकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो और उन सब का सीधा एल्जेब्रिक सम कर दो, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। तो के बाय आर को कॉमन ले लो, इनटू में क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस डैश डैश। अब ये क्या है, टोटल चार्ज ऑन सर्कुलर आर्क, तो ये आ गया के क्यू बाय में कैपिटल आर,
ठीक है। तो अब देखो क्यू बाय आर की वैल्यू यहां से क्या है, लैम्बडा इंटू में अल्फा, तो ये आ गया के लैम्बडा इंटू में अल्फा। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, या ये भी बोल सकते हो के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कुछ भी बोल सकते हो ठीक है, या लैम्बडा इंटू में अल्फा बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बात वही है, चाहिए बोल लो चाहिए बोल लो चाहिए बोल लो, या लैम्बडा इंटू में अल्फा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या ये बोल लो, तो बात एक ही है, इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, वो क्या होगा, के क्यू बाय आर या के लैम्बडा अल्फा या क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या लैम्बडा अल्फा बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रहे लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और अल्फा जो एंगल सबटेंडेड होगा सेंटर पे बाय दिस सर्कुलर आर्क, और क्यों क्या है इस आर्क पे टोटल चार्ज। अब देखो सेकंड सेकंड डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन एक्सिस, ठीक है। तो देखो मान लो मेरे पास ये एक रिंग है और ये रिंग की एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है ए, ये सेंटर ऑफ द रिंग, इस ए पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ये मान लो जेड है, ठीक है, और मान लो रिंग की रेडियस है कैपिटल आर, और मान लो इस रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, इस रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लैम्बडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और मान लो इस रिंग पे टोटल चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज है क्यू, तो लैम्बडा किसके बराबर आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्यू बाय में ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। अब मुझे इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इसी रिंग के एक्सिस के इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, अब ये कैसे फाइंड आउट करें, तो अब देखो इस रिंग के ऊपर बहुत सारे पॉइंट चार्जेज है ना, ये हो गया जैसे Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया Q4, ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेज हैं रिंग के ऊपर, ये हो गया Q5, ऐसे ये हो गया Q6, डैश डैश डैश, ऐसा मैं मान सकता हूं ना रिंग के ऊपर बहुत सारे पॉइंट चार्जेज बैठे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसे करके, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा इस रिंग पे टोटल चार्ज क्यों, और देखो इस Q1 पॉइंट चार्ज की दूरी फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब इस Q1 पॉइंट चार्ज और इस ए पॉइंट के बीच में जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी, रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, बिल्कुल सही बात है ठीक है ना, और क्यू टू और ए के बीच की दूरी भी इतनी ही आएगी, ये आप विजुअलाइज कर सकते हो, क्यू थ्री और ए के बीच की भी दूरी इतनी ही आएगी, क्यू फोर और ए के बीच की दूरी भी इतनी ही आएगी, क्यू फाइव और ए के बीच की दूरी भी कितनी आएगी, रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि ये कोण बन जाएगी ना ऐसे करके, कोण
विजुलाइज कर सकते हो आप। तो देखो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, ये जो इंडिविजुअल चार्जेज है ना इनकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दो और उन सबका स्केलर सम कर दो। तो इस रिंग की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा वी ए, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्यू वन की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कितना हो जाएगा, के क्यू वन बाय में ये दूरी रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ऐसे ही क्यू टू की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू टू बाय में ये दूरी भी इतनी ही आएगी क्योंकि ये कोण बढ़ेगी। ठीक है, इसको आप विजुलाइज कर सकते हो रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ऐसे क्यू थ्री की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू थ्री बाय में रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है वो आने जा रहा है। तो देखो के बाय में रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर को कॉमन ले लो, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस डैश डैश डैश, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस डैश डैश डैश। ये क्या है, इस रिंग पे टोटल चार्ज क्यू। सही बात है। तो वी ए ये कितना आ गया, के क्यू बाय में रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और के की वैल्यू ध्यान रहे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये आ गया। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो चाहो तो, के बाय में रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू में 2 पाई आर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और वी हैव के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आ गया, या ये बोल दो बात एक ही है। और ये ए पॉइंट इस रिंग के एक्सिस पे ही है, इस ए पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग कितनी है, जेड। ठीक है ना। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। तो देखो इसको करने से पहले ये जो प्रीवियस था ना डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, उसका इसमें यूज होगा इस डेरिवेशन में। तो देखो मेरे पास ये एक रिंग थी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, क्या थी ये रिंग, रेडियस थी कैपिटल आर, और ये मेरी रिंग की एक्सिस थी, और इस एक्सिस पे ये ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ये थी जेड। ठीक है, और इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज था क्यू। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ये कितना आया, के क्यू बाय में रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, ये प्रीवियस डेरिवेशन का रिजल्ट है। ठीक है, अब हम कौन सा डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। तो देखो मान लो मेरे पास ये एक डिस्क है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और ये डिस्क का सेंटर, और ये इस डिस्क की एक्सिस। ठीक है, डिस्क की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, और मान लो इस डिस्क पे जो डिस्क की सरफेस है, इस डिस्क पे टोटल चार्ज कितना है, मान लो क्यू, टोटल चार्ज ऑन डिस्क। ठीक है, ये ऐसे करके इस डिस्क पे
टोटल कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो इस डिस्क की एक्सिस पे ये कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क ये मान लो जेड है, ठीक है, डिस्क की रेडियस कैपिटल आर, और इस डिस्क पे टोटल कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल क्यू, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इस डिस्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करो। तो देखो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या आएगी, टोटल चार्ज क्यू बाय माय एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करूं, तो उसके लिए मैं क्या मानूंगा, एक एलिमेंटल रिंग मानूंगा, ये मान ली मैंने एलिमेंटल रिंग, क्योंकि ये डिस्क एलिमेंटल रिंग से ही तो मिलके बनी हुई है। कितनी रेडियस की मान ली मैंने ये एक्स, एक्स रेडियस की एलिमेंटल रिंग, और ये थिकनेस कितनी है मान लो डी एक्स, वेरी स्मॉल, ठीक है, एलिमेंटल रिंग की थिकनेस वेरी स्मॉल डी एक्स टेंस टू जीरो। तो अब देखो इस एलिमेंटल रिंग पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू वो कितना आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय में पाई आर स्क्वायर इंटू में एलिमेंटल रिंग का ये शेडिड एरिया विच विल बी वेरी स्मॉल टू पाई एक्स डी एक्स, तो पाई से पाई खत्म, ठीक है, ये आ गया टू क्यू बाय आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, टू क्यू बाय आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस एलिमेंटल रिंग, स्मॉल चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग, जिस एलिमेंटल रिंग की रेडियस एक्स है और थिकनेस वेरी स्मॉल डी एक्स, तो इस पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इतना आएगा। अब देखो ये जो मेरी डिस्क है ये एलिमेंटल रिंग से ही तो मिलके बनी हुई है, बहुत सारी एलिमेंटल रिंग से मिलके बनी हुई, ठीक है, तो इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डी वी ए वो क्या आएगा, इसका यूज कर सकता हूं के क्यू की जगह क्या हो जाएगा डी क्यू, क्योंकि इस एलिमेंटल रिंग पे चार्ज कितना है डी क्यू, तो टू क्यू एक्स डी एक्स बाय में आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर क्या थी इस रिंग की रेडियस, यहां पे एलिमेंटल रिंग की रेडियस क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। तो इस टू को यहां पे लिख लो, ठीक है। तो देखो मुझे तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना ना वी ए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी वी ए इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स बाय में रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग ये मेरी पूरी डिस्क कवर हो जाए, एक्स की लिमिट्स जीरो से लेके कैपिटल आर तक, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट कैपिटल आर, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है तो बाय सब्स्टिट्यूशन सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने जा रहे हैं इस इंटीग्रेशन को, तो टू एक्स डी एक्स कितना हो गया डी टी, ठीक है। तो वी ए ये कितना आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया बाय में रूट t
टी प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे टी की लिमिट्स होंगी ना, जब एक्स जीरो तो टी कितना हो गया जीरो, जीरो का स्क्वेयर जीरो, और जब एक्स आर तो टी कितना हो गया आर स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, के क्यू बाय में आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन टी प्लस जेड स्क्वेयर की पावर माइनस वन बाय टू डी टी लिमिट्स जीरो टू आर स्क्वेयर। तो इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन ऐड कर दो तो वन माइनस वन बाय टू कितना हो गया वन बाय टू, तो टी प्लस जेड स्क्वेयर की पावर वन बाय टू, या रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो वन बाय टू आया था ये डिवाइड में भी आएगा, वन बाय टू तो टू ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट आर स्क्वेयर, तो वी ए देखो कितना आ गया टू के क्यू बाय में आर स्क्वेयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो अब तो बस, रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस जेड, मतलब रूट जेड स्क्वेयर जेड हो जाएगा ना, क्योंकि टी की जगह जीरो पुट करोगे तो माइनस जेड, ठीक है। तो ये आ गया इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ठीक है। तो अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से मतलब बात वही रहेगी, तो टू बाय में आर स्क्वेयर के क्या है वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, के यहां पे क्या है वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इंटू में वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, क्यू क्या सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वेयर, सिग्मा इंटू में पाई आर स्क्वेयर, और इंटू में रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस जेड, ठीक है। तो देखो दो दूनी चार, ठीक है, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर खत्म, तो ये क्या बच गया बाहर सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में दिस मतलब इनटू में रूट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस जेड। तो चाहे तो ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसका हम केवल रिजल्ट लिख लेते हैं, ओनली रिजल्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है ना ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, ये आया है, ये बोल दो या ये बोल दो, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड अब हम एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, तो देखो मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है और ये डिस्क का सेंटर और ये डिस्क की एक्सिस और डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर, और इस डिस्क पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और डिस्क की इस एक्सिस पे यहां पे एक पॉइंट है ए जिसकी दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क जेड है, ठीक है। और यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। तो ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आया है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बात वही रहेगी टू के क्यू बाय में आर स्क्वायर इंटू में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, ठीक है।
अब इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास दो को एक्सियल डिस्क है, एक डिस्क ये है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, और इस डिस्क की एक्सिस ये है, और एक और डिस्क है, ठीक है, दोनों की एक्सिस सेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं को एक्सियल डिस्क है। ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। इस डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर, और इस डिस्क की रेडियस 1.2 आर गिवन है, मतलब ये डिस्क थोड़ी बड़ी है इससे, ठीक है, और ये दूरी यहां पे कितनी गिवन है 2 आर, और यहां पे कोई पॉइंट है ए, इनके बिल्कुल बीच में, मतलब ये दूरी कितनी आर, तो ये भी आर। इस डिस्क पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल क्यू, इस पे कैपिटल क्यू बाय 2, और दोनों डिस्क है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क कोएक्सियल, दोनों का साइज अलग है, इसकी रेडियस कम है इसकी ज्यादा है, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पे है बी, और ये दूरी कितनी है 3 आर, ये अगर 2 आर है तो ये 3 आर लग नहीं रही ना, थोड़ा सा दूर बना लो, कुछ यहां पे है, ठीक है, बी पॉइंट, ये दूरी कितनी 3 आर। तो अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सटर्नल एजेंट एक -3 Q/2 नेगेटिव चार्ज को ए से बी लेके जाएगा, ठीक है, रेस्ट टू रेस्ट, चाहे किसी भी रास्ते लेके जाए, तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो -3 Q/2 नेगेटिव चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट ए से बी लेके जाएगा रेस्ट टू रेस्ट, मतलब यहां से उठाया और यहां पे ले आया, रेस्ट टू रेस्ट, चाहे किसी भी रास्ते लेके जाए, पाथ चाहे कोई भी हो, वट एवर बी पाथ, ठीक है। तो ऐसे में उस एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना होगा ऐसा करने में, ये फाइंड आउट करना है, और इसके लिए यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.29 K^2 R, और बी ऑप्शन में 1.29 K^2 R, सी ऑप्शन में 2.58 K^2 R, डी ऑप्शन में 3.58 K^2 R, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो वो जो एक्सटर्नल एजेंट, मतलब मैं एक तरह से -3 Q/2 नेगेटिव चार्ज को ए से बी लेके जाऊंगा रेस्ट टू रेस्ट किसी भी रास्ते, तो कितना वर्क करना होगा एक्सटर्नल एजेंट को या मेरे को, वो फाइंड आउट करना, और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये क्या आएगा, जिस चार्ज को लेके जा रहा हूं, कितने चार्ज को, -3 Q/2 इंटू में VB-VA, क्योंकि ए से बी लेके जा रहा हूं ना, तो इंटू में VB-VA, ठीक है। तो अगर VB और VA पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा, यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले VB फाइंड आउट करते हैं, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वजह से भी आएगा, इस डिस्क की वजह से भी आएगा, दोनों डिस्क की वजह से आएगा, दोनों की वजह से इंडिविजुअली इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे, उन दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, इस फॉर्मूले का यूज करो इसका, क्योंकि डिस्क पे चार्ज गिवन है, ठीक है ना, तो
तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करो। तो क्या आएगा, टू के क्यू क्यू बाय में रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड ये हो जाएगा ना, ये दूरी कितनी हो जाएगी 5r, मतलब 5r का स्क्वायर मतलब 25r स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड मतलब 5r। और अब इस डिस्क की वजह से इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगेन इसी फॉर्मूले का यूज करो, प्लस 2k क्यू की जगह क्या आ जाएगा क्यू बाय 2 बाय में आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर मतलब 1.2r का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 1.2r का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड ये हो जाएगा ना 3r, तो मतलब प्लस 9r स्क्वायर, ये तो हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस जेड हो रहा है तो मतलब माइनस 3r, ठीक है ना। और ध्यान रहे ये 3r अलग से है, इस पे कोई रूट नहीं है, हाँ केवल इस पे रूट है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो vb ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 0.358 के क्यूब बाय आर, इतना निकल के आएगा, ठीक है। अब इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगेन उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, टू के क्यू, उस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं, बाय में आर स्क्वायर इंटू में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड कितना हो जाएगा कैपिटल आर, तो मतलब प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जेड कैपिटल आर, ठीक है। तो इसकी वजह से तो आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस ए पॉइंट पे। अब इसकी वजह से निकाल लो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 2k q की जगह क्या हो जाएगा q बाय 2 बाय में r स्क्वायर मतलब 1.2r का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में रूट r स्क्वायर मतलब 1.2r का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड कितना हो गया, ये r मतलब प्लस r स्क्वायर माइनस जेड आर, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो ये वी ए कितना निकल के आएगा, ये आएगा 1.2187 के क्यू बाय आर, इतना आएगा वी ए निकल के, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग माइनस 3k/2 चार्ज फ्रॉम ए टू बी रेस्ट टू रेस्ट वट एवर बी पाथ, वो फाइंड आउट करना था। तो यहां पे वी बी और वी ए की वैल्यूज पुट कर दो बस, वी बी की ये वी ए की ये यहां पे पुट कर दो बस। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3k/2 इंटू में वी बी माइनस वी ए। तो सबसे पहली बात तो के क्यू बाय आर को कॉमन ले लो और वी बी माइनस वी ए करना है, तो 0.358 माइनस 1.2187 इतने जूल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और ये कितना आएगा यूजिंग कैलकुलेटर, ये आएगा प्लस क्योंकि ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा वर्क डन। और ये कितना आएगा 1.29 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।